नमस्कार। कार्यक्रम में भाग ले रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, सभी राज्यों के यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के उलावी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानवा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोडमैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। साथियों, ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है
कि हम अपने खिलाड़ियों की और ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच मार्किंग करनी होगी। हर टूर्नामेंट के लिए अलग रणनीति बनानी होती है। आपको हर टूर्नामेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी तय करने होंगे। साथियों, खेलों की एक विशेषता और होती है, अकेले कोई खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करके फिटनेस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है। इससे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक विषय नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे। आपको अपने अपने राज्यों में भी
इस तरह के कार्यों को और गति देनी है। मुझे विश्वास है कि चिंतन शिविर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।